हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेशन ऑफ टोटल कार्बन बाय कंबशन मेथड। ठीक है, तो हमारा जो सैंपल होगा वो स्टील का सैंपल है या प्लेन कार्बन स्टील है या कोई अलॉय स्टील है, स्पंज आयरन है, फेरो अलॉय है, उसमें हम कार्बन कैसे डिटरमाइन करते हैं कंबशन मैथड से, इसकी हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि इसमें हम एक्चुअली में करेंगे क्या, उसके बाद मैं डिटेल में जाऊँगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा सैंपल लेते हैं हम, ठीक है, उस सैंपल को हीट करते हैं सबसे पहले फर्नेस में। तो फर्नेस के अंदर ऐसे ट्यूब, एक ट्यूब लगा होता है, ठीक है, ट्यूब रहता है, उसको ट्यूब को हम फर्नेस के अंदर डालते हैं। ठीक है, ये ट्यूब को हमने डाल दिया और इस ट्यूब के अंदर हम अपना सैंपल रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी सैंपल रहेगा उसको रखेंगे। ठीक है, अब उसको हीट करते हैं सैंपल को लगभग 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। और इस साइड से हम एक एंड से ट्यूब को एक तरफ से क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन देते हैं और सैंपल का टेम्परेचर बहुत हाई है तो क्या होता है, सैंपल के अंदर जितना भी कार्बन है और सल्फर है दोनों ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जितना कार्बन रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, सल्फर जितना रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, अब ये जो बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर कंबशन के बाद, ये आगे जाएगा। ठीक है, अब इस गैस का हम क्या करेंगे, इस गैस से ये जो प्रोडक्ट गैस जा रहा है उसमें से सबसे पहले तो हम SO2 को अलग करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को, क्योंकि हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। ठीक है, तो इस मेथड से सल्फर का भी हम डिटरमिनेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन डिटरमिनेशन। तो हम क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को हम रिमूव करेंगे गैस से ताकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर कर सकें। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग भेजते हैं H2SO4 के कंटेनर में। ठीक है, H2SO4 के कंटेनर में भेजते हैं तो क्या होगा, जितना भी ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा कि इसमें H2SO4 के सॉल्यूशन में। ठीक है, फिर हम इसको कहाँ भेजेंगे, फिर हम इसको एक और कंटेनर में या वेजल में भेजते हैं, वहाँ पे भरा होता है सोडा लाइम, जिसको सोडा एस्बेस्टस भी बोलते हैं। ठीक है, सोडा लाइम मतलब ये NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, सोडा लाइम या सोडा एस्बेस्टस हम उसके अंदर भेजते हैं। ये सॉलिड के फॉर्म में रहता है सोडा लाइम, इसको हम भेजते हैं गैस को उसमें सोडा लाइम में। तो क्या होता है, ये जो सोडा लाइम है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेंट का काम करता है, मतलब जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, वेट मेजरमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले वेट ले लेंगे विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं भेजा था तब इस कंटेनर का वेट कितना था। ठीक है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, तो उसके बाद उसका वेट कितना है। तो ऑब्वियसली जब कार्बन डाइऑक्साइड को ये अब्जॉर्ब कर लेगा तो वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो इंक्रीज इन वेट होगा वही किसको इंडिकेट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है ब्रीफ में एकदम। ठीक है, अब इसके बीच में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसको हम अब डिटेल से पढ़ते हैं। ये जो लिखी है ना सारी चीज़ें वही लिखी है जो भी मैंने बताया है, इसको आप पढ़ लेना। ये देखिए, ये पूरा अरेंजमेंट है आपका कंबशन मेथड का। ठीक है, अब एक एक करके इसके पार्ट्स में बताता हूँ, इसके नोट्स में यहाँ पर पूरा दिया भी गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ए है, बी सी डी करके पूरा इसमें नेमिंग किया गया है और वो सब क्या है वो इधर दिया गया है नोट्स में, तो आप इस नोट्स से पढ़ सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये नोट्स आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, यहाँ पे आपका ये है ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, तो ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये दूसरा भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर, इसको ऑक्सीजन रिजर्वायर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर से आप ऑक्सीजन सप्लाई करोगे और ये जो रिजर्वायर है वो ज़रूरी नहीं कि हर जगह हो, कई जगह नहीं भी होता है। ये रिजर्वायर ये काम करता है कि एक प्रॉपर प्रेशर आपको मेंटेन करना है, जैसे ऑक्सीजन का एक प्रेशर होता है 300 मिलीलीटर पर मिनट की स्पीड से आपको ऑक्सीजन देना है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन रिजर्वायर भी रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि होगा ही। ठीक है, कहीं नहीं भी होता है तो ये ऑक्सीजन सप्लाई होगा यहाँ से। फिर ये ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगा, आपका मरकरी मैनोमीटर, ये क्या है, मरकरी मैनोमीटर है, ये प्रेशर मेजरमेंट का काम करता है, मरकरी जो नैनोमीटर है प्रेशर मेजर करेगा। ठीक है, कि कितनी प्रेशर से ऑक्सीजन आगे जा रहा है। ठीक है, फिर ये आगे आपको जाता है इसमें, ये वाला कंटेनर में। अब इसमें आप लोग देखो इसमें क्या है, इसमें सोडा एस्बेस्टस है इस कंटेनर के ऊपरी हिस्से में और नीचे में क्या है, एनहेड्रॉन है। अब ये सोडा एस्बेस्टस क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना सोडा लाइम इसका नाम है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और नीचे क्या है, एनहेड्रॉन, एनहेड्रॉन क्या होता है, मैग्नीशियम परक्लोरेट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये सोडा एस्बेस्टस क्या करेगा, ऑक्सीजन के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है पहले से जो होगा, ठीक है, पहले से अगर कोई ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप भेजोगे सैंपल में तो क्या होगा, अगर पहले से ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड है तो आपका हायर बताएगा कार्बन को, ठीक है, जो कि गलत वैल्यू होगी। तो हम पहले जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव कर लेंगे। एनहाइड्रॉन क्या करते हैं, ये जितना भी मॉइस्चर होगा ना ऑक्सीजन में उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट का काम करता है एनहाइड्रॉन।
ठीक है। फिर ये गैस आगे जा करके ये ई में जाता है। ये ई क्या है एक तरह से, ये आपका सेफ्टी वॉल्व है, ठीक है, सेफ्टी वॉल्व कंटेनिंग मरकरी है, ठीक है। ये क्या है, ये सेफ्टी वॉल्व का काम करता है, इसमें मरकरी होता है। तो ये प्रॉपर प्रेशर मेंटेन करता है कि जितने प्रेशर से आपको भेजने आ गया ना उसी प्रेशर से जाना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए ना उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब ये गैस ऑक्सीजन फिर नेक्स्ट कहाँ जाता है, अब आपका ये कंबशन ट्यूब में जाता है। ये कंबशन ट्यूब क्या होता है, फर्नेस के अंदर होता है। मैं आपको सीधा फोटो दिखाता हूँ, ये है आपका, ये पूरा फर्नेस का अरेंजमेंट है। नीचे ये सब इसको स्टेबलाइज़र बोलते हैं, ये आपका स्टेबलाइज़र है, कंट्रोल यूनिट है। उसके बाद ये आपका मेन फर्नेस है। अब इस फर्नेस के अंदर देखो, ये एक ट्यूब आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कंबशन ट्यूब। इसका लेंथ जो होता है वो 65 सेंटीमीटर होता है, डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ये परकुलिन का बना होता है, एक टाइप का रिफ्रैक्ट्री है, ठीक है। ये कंबशन ट्यूब है, दोनों तरफ ओपन होता है, ठीक है। तो इसके एक तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई भेजते हैं, जैसे यहाँ से हम क्या भेजते हैं, ये ऑक्सीजन सप्लाई से कनेक्टेड रहेगा। और उसके जो पीछे तरफ जो होगा वो आपका, वहाँ से जो गैस निकलेगा वो आगे की ओर जाएगा। जैसे इस फोटो में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक तरफ से ये ट्यूब ऑक्सीजन सप्लाई से कंटेन है, मतलब जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से जो गैस निकल रहा है उसको आगे भेज रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीजन कहाँ जाता है, इस मतलब इसमें जाता है, ट्यूब में जाता है, ठीक है। अब इस ट्यूब के अंदर ही हमारा सैंपल होता है, और सैंपल किस में होता है, एक रिफ्रैक्टरी बोट होता है, जिसको कंबशन बोट बोलते हैं। इसका फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो है, ये जो दिख रहा है, ये बोट मतलब नाव जैसा है, छोटा सा नाव जैसा है, इसे कंबशन बोट बोलते हैं। ये रिफ्रैक्टरी का बना है, इसी में अपना सैंपल लेते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इसको इस ट्यूब के अंदर बीचों बीच डाल देते हैं, फर्नेस के बीचों बीच, ताकि इसको प्रॉपर टेम्परेचर मिल सके। तो इस बोट में सैंपल लेके हम इस ट्यूब के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो इधर से ऑक्सीजन सप्लाई होगा। अब ये फर्नेस का टेम्परेचर पहले से आपको मेंटेन करके रखना है, मतलब जब आप सैंपल डालोगे उससे पहले ही टेम्परेचर आपका जितना भी रिक्वायरमेंट है, 1000 से 1150 के आसपास रहता है, वो मेंटेन पहले से रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सैंपल डालूंगा फिर उसको फिर उसके बाद मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं। पहले से फर्नेस के अंदर वो टेम्परेचर ला लेना है, फिर आपका सैंपल डालना होता है। तो फिर ये ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, जितना भी है रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 बन जाएगा, है ना। अब ये फिर गैस नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, ये वाले में जाएगा, ये जो कंटेनर दिख रहा है इसको आई बोलते हैं, आई मतलब आई नाम का जो है, इसका नाम देखो ये क्या है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, नहीं आई नहीं होगा एक्चुअली में, जी है वो। तो ये जी क्या है, आर्नोल्ड ट्यूब है, ठीक है। ये है, ये जो जी नाम के यहाँ पे दिया गया है, ये आपका क्या है, आर्नोल्ड ट्यूब है। आर्नोल्ड ट्यूब क्या करता है, यहाँ पे आगे में आपका क्रोमियम सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है, तो ये क्रोमियम सल्फ्यूरिक एसिड पीछे ना आए, सक बैक ना हो, मतलब पीछे आके फर्नेस के अंदर ना चला जाए, इसलिए ये आपका आर्नोल्ड ये ट्यूब दिया रहता है, वो किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन को अंदर आने से रोकता है फर्नेस के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ से होते हुए फिर आगे जाता है, फिर ये कहाँ जाता है आपका, क्रोमिक सल्फ्यूरिक एसिड वाले कंटेनर में जाता है। तो ये क्रोमिक सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये दोनों में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो बना हुआ है, जो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना होगा वो है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है क्रोमिक सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों वही काम करता है। अगर सल्फर कंटेंट बहुत कम है, मान लो आपके सैंपल में तो केवल एक ही कंटेनर रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन अगर हाई सल्फर कंटेंट वाला स्टील है तो आपको दो कंटेनर लगेगा, एक क्रोमिक सल्फ्यूरिक एसिड का, एक सल्फ्यूरिक एसिड का। तो जितना भी सल्फर डाइऑक्साइड है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब नेक्स्ट कहाँ जाएगा, ये नेक्स्ट यहाँ पे एक होता है ग्लास वूल। ग्लास वूल क्या होता है, फोटो दिखाता हूँ, ये ग्लास वूल है, ठीक है। जो सिगरेट का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, वैसी टाइप का है ये ग्लास वूल। ये क्या करता है, ये जितना भी H2SO4 अगर कुछ अमाउंट में आ रहा है गैस के साथ, मॉइस्ट के साथ, ठीक है, मतलब छोटे छोटे कई बार क्या होता है कि गैस के साथ आ जाता है ना कुछ अमाउंट में, तो गैस के साथ अगर कुछ अमाउंट में H2SO4 आ रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ग्लास वूल, ठीक है, उसको आगे नहीं जाने देगा। फिर ये आता है, फिर से ये आर्नोल्ड ट्यूब है जे करके, इससे जाता है, फिर उसके बाद जाता है ये छोटा सा सिलेंडर जैसे आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एनहाइड्रॉन, ठीक है। आपको मैं इसका नाम बता देता हूँ क्या है, ये जो के है, ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, इसके अंदर क्या होता है, एनहाइड्रॉन होता है फॉर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। 20 सेंटीमीटर लंबा एक ट्यूब जैसा है जिसमें एनहाइड्रॉन भरा हुआ है, मतलब पोटेशियम मैग्नीशियम पर क्लोरेट, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट फिर लास्ट में क्या होता है, कहाँ पर जाता है, ये वाले पे, है ना, ये कंटेनर है जिसका नाम है नेस्बिट बल्ब, ठीक है। आपको मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये है, ये नेस्बिट बल्ब है जो सबसे आखिरी में जुड़ा हुआ है। इसी के ऊपर ही हिस्से में क्या भरा होता है, इसके ऊपरी हिस्से में आपका भरा होता है सोडा एस्बेस्टेड या सोडा लाइम, है ना, सोडा लाइम भरा होता है, और उसके नीचे होता है एनहाइड्रॉन। तो जो गैस आता है जिसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड है,
ठीक है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके साथ है वो इसके साथ जोड़ देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ आता है अंदर तो सोडा लाइम उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, सोडा लाइम इसको एब्जॉर्ब कर लेगा जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो क्या होगा इसका वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। शुरू में आप इसका वेट ले लोगे कि क्या वेट था, फिर जब ये ऑब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को तो वेट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उस वेट डिफरेंस को नाप लेना है। ठीक है, इसको नेस्बिट बल्ब बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया है 18 ml कैपेसिटी का होता है, 18 ml का नेस्बिट एब्जॉर्प्शन बल्ब विच हैज़ सेवरल हाइट, सॉरी ओवरऑल हाइट ऑफ 16.5 cm हाइट का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है एनहाइड्रॉन होता है बॉटम में और क्या होता है सोडा एस्बेस्टस होता है टॉप में। तो ये दिखता कैसे है सोडा एस्बेस्टस अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा मैंने कंस्ट्रक्शन इसका बता दिया है ना। अब थोड़ा सा आगे आगे देखते हैं, अब देखते हैं रिएजेंट कौन कौन सा लगता है या केमिकल जो है कौन कौन सा हम उपयोग कर रहे हैं। तो पहला क्या है सोडा एस्बेस्टस है, वही जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये मिक्सचर होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का, तो इसका साइज़ जो है 12 से 30 मेश साइज़ का होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में होता है छोटा छोटा टुकड़े के रूप में होना चाहिए, 12 से 30 मेश साइज़ का होना चाहिए ताकि यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन हो। अगर एक सिंगल को आप डाल दिए ऐसा, मतलब एक सिंगल सोडा एस्बेस्टस लेके ऐसे डाल दिए तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा क्योंकि सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा ना, जितना छोटा होता है उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो ये सोडा एस्बेस्टस है, इसी को हम डालते हैं उसमें नेस्बिट बल्ब में। दूसरा क्या होता है क्रोमिक सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो क्रोमिक सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है क्रोमियम और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह मिक्स करके। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है ये एनहाइड्रॉन है जिसको मैग्नीशियम पर क्लोराइड भी बोलते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपका ये जो दिख रहा है ना ये आपका मैग्नीशियम पर क्लोराइड या एनहाइड्रॉन है। ठीक है, इसके अलावा H2SO4 की ज़रूरत पड़ती है, तो H2SO4 ऐसे दिखता है और ये क्रोमिक एसिड इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो क्रोमिक एसिड आता है, क्रोमिक एसिड को आपको क्रोमिक सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए दोनों को मिक्स करना होता है, क्रोमिक एसिड को और H2SO4 को, तो उससे क्रोमिक सल्फ्यूरिक एसिड बनता है ना। ये आपका टीन का छोटा छोटा टुकड़ा है, टीन मेटल का, इसका उपयोग क्या है आगे मैं बताऊंगा। टीन का छोटा छोटा टुकड़ा आपको जो दिख रहा है वो है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसीजर क्या क्या है। ठीक है, काफ़ी हद तक प्रोसीजर तो मैंने साथ साथ बता दिया है। ठीक है, लेकिन तब भी मैं एक बार और प्रोसीजर को और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो नेस्बिट बल्ब है ना उसको डिटैच कर लेना है अपने, उससे डिटैच करने के बाद उसका वेट लेके वेट नोट डाउन कर लेना है कि इनिशियल वेट क्या है, वो उसका क्या होगा इनिशियल वेट होगा नेस्बिट बल्ब का, इनिशियल वेट सबसे पहले ले लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है 2.729 ग्राम का सैंपल लेना है। ठीक है, ये इतने ग्राम का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन में आसान होता है, आगे मैं बताऊंगा, इतने का ही लेते हैं क्योंकि आगे जाके कैलकुलेशन इससे बहुत आसान हो जाता है, तो उसी के बेस पे हम इतना ग्राम सैंपल लेते हैं है ना। अब ये सैंपल क्या होगा, जो भी है स्टील का है, फेरोलॉय का है, स्पंजारन का, जो भी आपको सैंपल लेना है। ठीक है, अगर स्टील का है तो ड्रिलिंग या मिलिंग, ड्रिलिंग मिलिंग जब करते हैं ना छोटा छोटा जो टिप्स बनता है या छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना स्टील के, उसी को लेना है, एकदम फाइन वाला छोटे छोटे टुकड़ों को लेना है, एकदम क्लीन होना चाहिए, मतलब उसके अंदर जैसे स्टील का सैंपल ले रहा हूँ तो स्टील में कोई और गंदगी नहीं होनी चाहिए, केवल स्टील होना चाहिए। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, सैंपल को लेके कंबशन बोर्ड में रख देंगे, कंबशन बोर्ड का फोटो मैंने आपको दिखाया था, ये कंबशन बोर्ड है, इसमें रख देंगे हम। ठीक है, और उसमें बाद उसमें एक दो पार्टिकल हम किसका डालेंगे, लेड या टीन का, जो मैं अभी दिखाया था ना लेड या टीन, ये टीन का, ये है टीन का छोटा छोटा दाना है। ठीक है, इसको आपको एक से दो दाना आपको किस में डालना है, इसमें बल्ब में सैंपल डालोगे, सैंपल के ऊपर क्या डालोगे, एक दो दाना उसका टीन या लेड का डालना है। ये क्या करता है ना, ये आपका कंबशन को एक्सेलरेट करता है, कार्बन के कंबशन को, मतलब कार्बन जल्दी से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, और मेल्टिंग का भी काम करता है, आपके स्टील मेल्ट भी होना चाहिए क्योंकि पूरा मेल्ट होगा तभी जाके पूरा कार्बन वहाँ पर रिएक्शन करेगा, तो मेल्टिंग भी, मेल्टिंग में भी हेल्प करता है आपके सैंपल को। ठीक है, तो इसलिए लेड या टीन एक दो दाना डालना है। नेक्स्ट क्या करना है, आप इस कंबशन बोर्ड को क्या करोगे, कंबशन ट्यूब के बीचों बीच रख दोगे। ठीक है, और फर्नेस का टेम्परेचर पहले से मेंटेन होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्लेस द कंबशन ट्यूब, नहीं कंबशन बोट होगा यहाँ पे, प्लेस द कंबशन बोट इन द मिडिल ऑफ कंबशन ट्यूब ऑफ प्रीवियसली हीटेड टू टेम्परेचर 1000 to 1100। ठीक है, तो फर्नेस को पहले से इस टेम्परेचर में ला लेना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, ट्यूब को डालना है जब वो टेम्परेचर आ जाएगा, तो फर्नेस को चालू करके रख देना है, उसके बाद टेम्परेचर आ जाएगा फिर इसको डालना है ट्यूब को। ठीक है, ट्यूब डालने के बाद आपका इसको बोट को, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्या करोगे, ऑक्सीजन को चालू करोगे, ऑक्सीजन सप्लाई को चालू करोगे। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई जब आप चालू करोगे तो उसका प्रेशर कितना होगा, कितना रखना है, 300 टू
325 मिलीलीटर पर मिनट की स्पीड से आपको भेजना है, ठीक है। ये मरकरी नैनोमीटर से होते हुए जाएगा, ये है ऑक्सीजन सप्लाई, यहाँ से मरकरी नैनोमीटर में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बताया ना, आपका सोडा एस्बेस्टस से होके जाएगा, ठीक है, और एनहेड्रॉन से होके जाएगा एक कंटेनर से। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा, ऑक्सीजन विल फ्लो फ्रॉम कंटेनर डी, इट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर फ्रॉम ऑक्सीजन, ठीक है। जो मैंने बताया था ना शुरू में, सोडा एस्बेस्टस और एनहेड्रॉन का एक कंटेनर होता है, उसके होके गुजरेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर उससे दूर हो जाएगा, फिर ये आपका किससे जाएगा, फिर ऑक्सीजन किस में जाएगा, वो ट्यूब में जाएगा, ठीक है। तो जब ये ट्यूब में जाएगा तो एक मिनट बाद इसका कंबशन चालू होगा, तो ऑक्सीजन जब आप फ्लो कराओगे ना तो तुरंत कंबशन चालू नहीं होगा, ठीक है, एक मिनट लगता है कंबशन चालू होने में, है ना। आपको प्रॉपर फिटिंग वगैरह कर लेना है ऑक्सीजन सप्लाई, जैसे ये जो दिख रहा है ना, इसको प्रॉपरली अच्छे से टाइट करना है, ठीक है, यहाँ पे, ताकि ऑक्सीजन लीक ना हो। और दूसरी तरफ भी वैसी है, आपको प्रॉपरली वो टाइट होना चाहिए ताकि गैस कहीं से लीक ना हो, ठीक है, नहीं तो रिजल्ट आपका कम आ जाएगा, वैल्यू कम बताएगा। तो कंबशन जो है एक मिनट बाद स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा, कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो बॉटल है ना, आगे जाके कंबशन बोर्ड के बाद क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का बॉटल होता है, उसमें आपका फ्लो कम हो जाएगा, तो वो इंडिकेट करेगा कि कंबशन क्या है, चालू हो गया, ठीक है। उसके बाद कंबशन चालू होता है, फिर आपको फिर से 5-6 मिनट तक रुकना है, ठीक है। 5-6 मिनट तक रुकोगे, 5 मिनट तक मतलब ऑक्सीजन सप्लाई चालू रखना, मतलब 5-6 मिनट और लगेगा पूरा कंबशन होने में, ठीक है। कंबशन हो जाएगा, पूरा प्रोसेस हो गया, मैंने समझा देते ना, कंबशन होने के बाद गैस कहाँ से जाएगा, आपको क्रोमिक एसिड वाले कंटेनर में जाएगा, फिर सल्फ्यूरिक एसिड में जाएगा, फिर उसके बाद एनहाइड्रोन वाले एक ट्यूब है, फिर जाएगा, फिर नेस्बिट बल्ब में जाएगा। तो नेस्बिट बल्ब में पूरा जाएगा, ये लगभग प्रोसेस 6-7 मिनट चलेगा। 6-7 मिनट के बाद फिर आप क्या करोगे, नेस्बिट बल्ब को क्या करोगे, डिटैच करके फिर उसका वेट मेजर कर लोगे, ठीक है। तो इनिशियल वेट हमने सबसे पहले लिया था, और ये फाइनल वेट होगा। अब दोनों का वेट डिफरेंस आप निकाल लीजिए, तो जो वेट डिफरेंस आया वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बताएगा, ठीक है। तो वो जो वेट आएगा, जो वेट डिफरेंस जो आएगा, उसको आप सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आपका कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज को इंडिकेट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो वैल्यू आपकी आई 0.02 ग्राम आपका चेंज इन वेट आया, ठीक है। चेंज इन वेट आया तो आप क्या करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.02 × 10 तो कितना हो जाएगा, 0.2% आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से जो वैल्यू, जो वेट डिफरेंस आएगा ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कार्बन परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसीजर, मतलब कंबशन के थ्रू हम कैसे कार्बन डिटरमाइन करते हैं। सेम प्रोसीजर हम सल्फर डाइऑक्साइड के लिए भी अप्लाई करते हैं, उस केस में हम सल्फर गैस को एब्जॉर्ब कराते हैं, ठीक है। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ओके। तो ये था पूरा वीडियो कंबशन का, कार्बन डिटर्मिनेशन बाय कंबशन मेथड का। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।